जो बाइजेंटिनियन था, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर नोन एज अ बाइजेंटाइन और एम्पायर और बाइजेंटिनियम, वो भी उसका भी खात्मा हुआ। और हमने देखा कि जो है इतनी बड़ी सल्तनत जो है वो तकरीबन 800 साल से ज्यादा अरसा जो है, ये 8 सदियां जो है इन्होंने गुजारी, और उसके बाद आखिरकार इसका खात्मा हुआ। और उस खात्मे में जो बुनियादी किरदार था वो वही था जो आज भी है। अगर आप देखें तो आज भी लड़ाइयाँ जो है वो कुछ इसी किस्म की होती हैं। उस जमाने में रिलीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, आज भी करता है, लेकिन आज हम उसे मानते नहीं है। बहरहाल ये कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जो हमने आपको दिखाने के लिए कि रोमन एम्पायर जो थी वो आज भी, अगर आप चाहें तो आप इटली जाएं और वहां पर अगर आप विजिट करें तो ये तमाम चीजें जो हैं ये बहुत ही पहचानी जाती हैं। लोग घूमने जाते हैं और इन सब जगहों को एंजॉय करते हैं और देखते हैं कि कैसे राइज एंड फॉल हुआ। तो रोम एक्सपेंडेड फ्रॉम अ सिटी टू अ रिपब्लिक टू एन एम्पायर, बट क्रूअल रूलर्स एंड रिलीजियस डिविजन एन अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन बिकम द रियल रीजन ऑफ एंड ऑफ ह्यूज रोमन एम्पायर। आई ट्राई टू स्पेसिफाइड थिंग्स ऑफ राइज एंड फॉल। सो दे राइज फ्रॉम द सिटी, चेंज इन टू द रिपब्लिक एंड बिकम एन एम्पायर, एंड देन क्रूअल रूलिंगशिप एंड द रिलीजियस डिविजन टर्न इट इन टू द रोइंस। आप देखते हैं कि एक कैसे बढ़ती है और फिर कैसे उसका आखिरकार खात्मा हो जाता है। तो बड़ी से बड़ी सल्तनत किसी को जो है हमेशा के लिए कुछ भी नहीं है। इंसान अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखता है, लेकिन बहरहाल बड़ी सल्तनत बनी और वो सल्तनत का आखिरकार खात्मा हुआ। अच्छा, उसके बाद जो नया, जब अब एक सल्तनत तो खत्म हो गई लेकिन लोग तो थे मौजूद वहां पर, तो जब सल्तनत रोमा का खात्मा हुआ तो उसके खत्म होने के बाद एक नया स्टेट सिस्टम दुनिया में इमर्ज होके सामने आया, विच इज कॉल्ड द फ्यूडल स्टेट सिस्टम। हमने यहाँ पर आपके सामने एक जो है तस्वीर लगाई है, उसके अंदर आप देखेंगे ये है हायरार्की ऑफ फ्यूडल स्टेट सिस्टम, जागीरदारी रियासती निजाम का। मैं आपको इसको बताऊंगी कि शुरू कैसे हुई, लेकिन आप अगर इसमें देखें तो इसमें सबसे ऊपर की जो पोजीशन है वो बादशाह की है, किंग की है। देन उसके बाद दो एक जैसी सलाहियत के लोग जो हैं, या यानी एक पोजीशन पे खड़े हुए लोग हैं। नंबर वन नोबल्स, जब हम कहते हैं नोबल्स इसका मतलब होता है उमरा, अमीर लोग, या वो लोग जो जिनके पास जमीनें हैं, जायदादें हैं, और जिनकी बादशाह जो है वो थोड़ी बहुत इज्जत करता है और उनसे एडवाइस लेता है। एक तो ये है, और दूसरी तरफ हमने देखा कि चर्च ऑफिशियल्स यानी पादरी, तो मजहबी एडवाइस के लिए चर्च ऑफिशियल्स, और जो दीगर पॉलिटिकल एडवाइस के लिए नोबल्स या उमरा एलीट क्लास है। उसके बाद जो तीसरी पोजीशन है वो है एलीट्स की, वो सॉरी नाइट्स की। नाइट्स जो है वो सिपाही हैं, सोल्जर हैं, जो बादशाह के हिफाजत भी करते हैं और उसके लिए जंगे भी लड़ते हैं। फिर उसके बाद जो नीचे की जो लास्ट पोजीशन है वो है पीसेंट्स की या सर्व्स की, यानी मेहनत कश मजदूर पेशा या मेहनत कश तबका पूरा। ये था फ्यूडल स्टेट सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर। फ्यूडल स्टेट सिस्टम रोमन एम्पायर के जवाल के बाद वजूद में आई। ये जवाल जब हो गया, बादशाहत रोमन कंट्रोल जो है वो खत्म हो गया, तो उसके बाद वो जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस थे रोमन एम्पायर के, वहाँ के जो गवर्नर्स थे या फिर वहाँ के जो ऐसे खानदान थे जो बादशाह के बहुत करीब थे और उनके पास इम्पोर्टेंट पोजीशंस थी अपने अपने सूबों की, उन्होंने उन इलाकों पर अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। जब उन्होंने अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया तो वो पूरा रीजन जो था, यानी वो पूरा इलाका जो था, वो उनकी जागीर बन गया। वो इलाका उनकी पूरी जागीर बन गया और उसी की, और वो एक जागीरदार रियासत की शक्ल इख्तियार कर गया। यानी वो पूरी जो रियासत है, यानी वो पूरा इलाका है, वो बादशाह की जाती मिल्कियत या उस खानदान की जाती मिल्कियत में तब्दील हो गया। उसकी उसने उस रियासत को चलाने के लिए अपने मददगार बनाए, वो ये तमाम वो लोग थे जो किसी ना किसी तरीके से बादशाह को खुश करके अपनी जाती ख्वाहिशात पूरी करना चाहते थे, चाहे वो मजहबी पेशवा हो, चाहे वो उस इलाके के अमीर, उस इलाके का अमीर तबका हो। उसी के साथ साथ जैसे मैंने आपसे कहा कि वो सिपाही उन्होंने बनाए जिनको उन्होंने नाइट्स का नाम दिया, और इस तरीके से हमने देखा कि सल्तनत जो है वो
नेक्स्ट अब आपको हम बताते हैं कि कैसे चेंजेस आए हैं. सो द मिडिल एजेस और अ मिडिवियल पीरियड फ्रॉम 500 एडी से 1500 एडी तक का जो पीरियड है उसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सल्तनत रोमा का खात्मा हुआ. उसके बाद राइज ऑफ न्यू किंगडम्स और स्टेट्स हुआ दैट आर नॉट यूनाइटेड. चार्मिन एंड एम्पायर वॉज शॉर्ट लिव. ये नई रियासतें बनी और इन रियासतों का क्याम जो है वो बहुत मुख्तसर दौरानिए के लिए था. इनके अंदर जो था ये आपस में लड़ते रहते थे. छोटी छोटी रियासत शुरू में तो जागीरदारी रियासतें ऐसे थी और उसके बाद जो है एक वाइकिंग्स का एक पीरियड है पूरा जो इसके अंदर शामिल हुआ और उन्होंने इन सल्तनतों को जो है डीस्टेबलाइज करने की कोशिश की. ये नॉर्वेजियन इलाके जो स्कैंडिनेवियन रीजन है वहां से आते थे, हमला करते थे, देन भाग जाया करते थे. उसके बाद जो है वो एक बाकायदा जो है फ्यूडल सिस्टम जो है वो आया जिसमें उन्होंने उन बादशाहों ने जैसे मैंने आपको ऊपर जो पहली पिक्चर में दिखाया था वहां पर जो है हमने आपको उनकी तमाम स्टेजेस बताए थे. राइज ऑफ अ फ्यूडलिज्म इन यूरोप. यूरोप के अंदर जागीरदारी रियासती निजाम का आगाज हो गया. याद रखिए एशिया में इस किस्म का निजाम अभी मौजूद नहीं है. एशिया में सल्तनत उस्मानिया जो है वो पूरे ऑलमोस्ट रीजन के ऊपर कब्जा किए हुए, सब कॉन्टिनेंट के ऊपर मुगल्स का कब्जा हुआ हुआ है. तो वहां पर भी बादशाही मतलब इंपीरियल सिस्टम मौजूद है लेकिन यहाँ पर यूरोप के अंदर जो है वो फ्यूडल स्टेट सिस्टम शुरू हो गया. सो द मिडिवियल यूरोप वॉज नॉट made by cognate as in merged state. Sorry, the political structure was feudalism. Simply explain. अब हम आपको explain करेंगे कि what is feudalism. Feudalism was a system of the exchange of property for personal service. The person who granted the property was the lord or overlord. The person who received it was the vassal. This vassal promised service to his lord in a ceremony called an act of homage. All land belongs to the king. He granted it to the barons, yani vassals, in exchange for fee, taxes, and the service of his knights, who would get their own parcels of land for their services. They, in turn, would grant it to their vassals. Here, the allocation would stop. In the absence of money and a product, land was the foundation on which all trade and exchange was based. So land, after all, is the most basic asset a nation can possess. That's why it's called the feudal state system or a land-based state system. So जैसे हमने आपको यहाँ पर explain करने की कोशिश की कि ये एक जागीरदारी निजाम क्यों बना, क्योंकि इसमें जो भी सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया गया वो जायदाद के तबादले के हवाले से किया गया और उसके अंदर एक फर्द की हुकूमत यानी तमाम की तमाम जागीर बादशाह की मिल्कियत है और बादशाह ने अपनी जागीर को अपने लॉर्ड्स के दरमियान में तकसीम किया हुआ है यानी उन्हें दिया हुआ है. वो जब जमीन को किसी काम करने वाले मेहनत कश को देते हैं या उसको ग्रांट करते हैं तो वो वेसल बन जाते हैं यानी वहां पे काम करने वाले मालिक जरूर बनते हैं मगर जो जमीन लेने वाला है वो रियाया या रैयत कहलाता है और उसकी बाकायदा तकरीब होती है जिसके तहत वो जमीन उसको दी जाती है और वो इस खिदमत के इवज वहां पे ना सिर्फ उगाता है जो भी कुछ ग्रो करता है वो सालाना तौर पर बादशाह को टैक्स भिजवाता है जो उस जमीन के ऊपर काम करने की तरफ से उसकी खिदमत का जो है मुआवजा होता है जो वो बादशाह को भेजता है. इसी तरीके से बादशाह अपनी जमीन को अपने नाइट्स यानी उनके अच्छे काम के एवज उनको भी वो जमीन ग्रांट किया करता था, दे दिया करता था और वो भी इस जमीन को इसी तरीके से इस्तेमाल किया करते थे. सो अगर आपके पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो फिर जमीन के ट्रांसफर के जरिए ही तमाम की तिजारत की जाती थी. यानी इस पूरे प्रोसीजर में बादशाह कुछ नहीं करता था, सिर्फ वो उसका जो क्लेम होता था वो ये होता था कि ये पूरी सल्तनत उसकी है यानी पूरी रियासत की जमीन उसकी है और वो जिसे चाहे उसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो जिसे चाहे वो जमीन उसको दे सकता था और इस दिए नतीजे में वो जमीन पर काम करने वाला शख्स बादशाह को सालाना या माहाना तौर पर जो है उसका टैक्स यानी खिराज जो है वो जमा कराया करता था जिससे बादशाह बहुत ही जबरदस्त पुरतायुश फैसिलिटेटेड जिंदगी गुजारा करता था. अगर लोगों के पास पैसे नहीं होते थे देने के लिए तो ऐसी सूरत में उनकी जमीन को ही बतौर तिजारत के इस्तेमाल कर लिया
जाता था। ये था फ्यूडल स्टेट सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर जो बादशाह का ये स्टेटस था, जिसकी वजह से लोग उसे तस्लीम किया करते थे, वो आपको इस तस्वीर से थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। आप ये देख रहे हैं कि ऊपर जो है ये एक फेरी गॉड मदर है, एंजल है, जो बादशाह के सर पर ताज रख रही है। इसका मतलब ये है कि that rule or that kingdom was not given by the people but by granted by the god, yani khuda us shakhs ko batore badshah ke qabool kar raha hai ya usko us jagah par tainat kar raha hai। so ye tainati ka jo concept tha ise kaha jata hai divine right theory। so divine right to region ka matlab hi ye hai ki the king is it is basically a concept of absolute rule। this theory is states that god created the monarchy, yani badshahat ko khuda ne takleeq kiya, therefore the monarch was chosen by the god to lead his people, kyunki riyasat khuda ki banayi hui hai। dekhiye concept kya hai ki riyasat logo ne banayi nahi hai, riyasat is just state is made by the god just like the earth and heaven, yani riyasat usi tarah khuda ne takleeq ki hai jis tarah khuda ne baaki sari cheezon ko banaya hai। so jo bhi shakhs us mulk par hukumat karega, us jagah par hukumat karega, jab zameen allah ki banayi hui hai to us par hukumat karne wala bhi to allah hi muntakhib karega na, khuda muntakhib karega। to is concept ko unhone is tarike se use kiya ke badshahat jo hai, क्योंकि सल्तनत खुदा की तख्लीक करता है, लिहाजा उस पर हुकूमत करने वाला बादशाह भी खुदा का मुंतखब करता है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ मोनार्क्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली टू द गॉड नॉट देयर पीपल। इस नजरिए के तहत क्या हुआ कि वो जो बादशाह था वो इंसान के आगे जवाबदेह रहा ही नहीं, वो सिर्फ एक हस्ती के सामने जवाबदेह है जिसे खुदा कहा जाता है। तो इसकी वजह से उसका एक एब्सोल्यूट रूल हो गया। दूसरी चीज, सिटीजन डू नॉट क्वेश्चन द डिसीजन मेड बाय द मोनार्क बिकॉज़ दिस वुड बी लाइक क्वेश्चनिंग द डिसीजंस ऑफ देयर गॉड। यानी आम आवाम जो है वो बादशाह के किसी भी फैसले पर सवाल करने का हक नहीं रखती थी, क्योंकि अगर वो ये सवाल करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो खुदा के उससे सवाल कर रहे हैं, तो खुदा से तो वो सवाल कर ही नहीं सकते थे। सो क्रिश्चियनिटी के इस कॉन्सेप्ट को बादशाह ने अपनी हुकूमत बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया, और लोग जो है वो लॉन्ग लिव द किंग, जो बादशाह का एक बाल बुलंद हो, वो भी इसी वजह से। अच्छा, यहाँ पर अक्सर इस कॉन्सेप्ट को फैलाने में सबसे इम्पोर्टेंट काम किया ईसाई पादरियों ने। उन्होंने लोगों के जहनों में ये बात बिठा दी कि बादशाह जो है वो जीसस का, गॉड का मुंतखब करता है, चोजन पर्सन है, एंड ही इज द ब्रीदिंग इमेज ऑफ द गॉड, यानी ये खुदा की सांस लेती हुई तस्वीर है। तो आप इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते। इफ यू कैन क्वेश्चन द किंग, इट मींस यू आर क्वेश्चनिंग द राइट ऑफ द गॉड एंड यू आर नॉट कमिटिंग अ क्राइम, यू आर कमिटिंग अ सिन, यानी आप जुर्म नहीं करोगे, ये आप ये गुनाह के मुर्तकिब हो जाओगे। इसकी वजह से अगले कई सदियां पूरा यूरोप डिवाइन राइट टू रीजन की वजह से फ्यूडल स्टेट सिस्टम का शिकार रहा, और ये स्टेट सिस्टम रोमन एम्पायर से ज्यादा ब्रूटल था और इसने लोगों की आजादी को बिल्कुल छीन लिया। सो द रूल ऑफ अ चर्च इन फ्यूडलिज्म वॉज वेरी क्रूअल टू द पीपल। अब आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा द कैथोलिक चर्च प्रोवाइड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द मिडिल एजेस। जितना भी दुनियान का दौर है इसके अंदर कैथोलिक चर्च ने पूरे इलाके में एक खास कॉन्सेप्ट को जन्म दिया था। द चर्च अपील टू पीपल ऑफ ऑल क्लासेस, इट बिकेम द मीडियम बिटवीन पीपल एंड द रूलर, इट कंप्राइज विद क्लेरगी द रिलीजियस ऑफिशियल्स, यानी जो बादशाह की तरफ से तैनात किए जाते थे, देन द पोप, यानी जो चर्च का जो हेड ऑफ द कैथोलिक चर्च होता था वो, ऑल क्लेरगी वर अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पोप, यानी पोप है। So Pope was the religious head of the church, and he all the rest of the religious officials were authorized by the Pope. सो देन जो बाकी अथॉरिटी होती थी वो बिशप कहलाते थे, दे वर सुपरवाइज लोकल पैरिश प्रीस्ट, एंड देन लोकल प्रीस्ट हैड द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन मोस्ट यूरोपियन बिकॉज दे हैड द मोस्ट कॉन्टेक्ट विद द पीपल, एंड देन कैनन, कैनन वॉज द चर्च लॉ रिलीजन, रिलीजियस चर्च लॉ था ये।
सो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली इट वॉज अ वेरी वेल डिवेलप्ड प्लान टू कंट्रोल द पीपल बाय द रिलीजन. मजहब के तहत जो है लोगों को अपने कंट्रोल में करने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका कार ये इलाज किया गया. इसके अंदर बाकायदा कलीसा का लफ्ज, इक्लीजिया का लफ्ज अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है और उर्दू में इसे कलीसा कहा जाता है. सो बादशाह और लोगों के दरमियान जो एक कम्युनिकेशन मीडियम था वो चर्च था. तो चर्च के अंदर जो लोग काम किया करते थे क्योंकि वो रिलीजियस प्रीस्ट थे, तो वो लोगों को रिलीजन की बेसिस के ऊपर और बादशाह के डर से डराया करते थे, जिसकी तरीके वजह से लोग जो है वो बादशाह का की इतना इज्जत नहीं करते थे, बल्कि वो समझते थे कि हम बादशाह हमारे खिलाफ कुछ भी कर सकता है. सो जैसे हमने कहा कि मजहबी अफसरान या जो थे जिन्हें क्लेगी कहा जाता था, इनका जो हेड होता था वो पोप हुआ करता था और बाकी जितने भी प्रीस्ट हुआ करते थे जो रिलीजियस ऑफिशियल्स थे, दे वर कॉल्ड द बिशप्स. बिशप्स वर द रीजनल हेड्स ऑफ द प्रीस्ट. एंड देन फिर लोकल प्रीस्ट हुआ करते थे जो लोगों के साथ बराह रास्त कॉन्टैक्ट किया करते थे, और क्योंकि कॉन्टैक्ट ये किया करते थे लिहाजा इनके जरिए जो है वो लोगों को अपने कंट्रोल में रखा जाता था. फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि इन सब के लिए दे नीड अ लॉ, उनको कानून की जरूरत है जिसके तहत वो लोगों को डराया करते थे. तो मजहब के तहत उन्होंने एक कानून बनाया था विच इज कॉल्ड द रिलीजियस चर्च लॉ, कैनन कहलाता था. और इस कानून के तहत जो है वो तमाम लोगों के मजहबी जो जिम्मेदारियां होती थी उनको कंट्रोल किया जाता. अब ये जो कैनन लॉ था इसके 7 हिस्से थे. अब इन 7 हिस्सों में अगर आप ये देखें तो हमने यहाँ पर एक एक चीज को अलहदा किया है, ताकि अब इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो फ्यूडलिज्म था उसमें मजहब ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया टू फ्लारिश द फ्यूडलिज्म इन यूरोप. सो नंबर 1, प्रीस्ट एंड अदर रिलीजियस ऑफिशियल्स एडमिनिस्ट्रेटेड द एस्कार्समेंट, एंड दैट एस्कार्समेंट जो है ये इनमें कुछ ड्यूटीज होती थी विच स्टार्टेड विद द बैप्टिज्म. व्हेन एनी children born in the Christian world, he get baptized, यानी उसे church के holy water से जो है उसे उस पर छिड़का जाता था और उसके जरिए जो है उसको purify किया जाता था, यानी उसे पाक किया जाता था. अगर कोई ईसाइयत इख्तियार करता था तो भी उसे बैप्टाइज्ड किया जाता था, यानी होली वाटर के जरिए जो मुकद्दस पानी है वो जो चर्च के अंदर पानी होता था, वहां पे हर चर्च के अंदर एक छोटा सा पानी की जगह होती थी जिसके अंदर वो पानी रखा जाता था और उसको चेहरे पर और अपनी बॉडी के ऊपर लगाया जाता था. देन रिकन्सिलिएशन होता है, यानी कन्फेस किया जाता था. रिकन्सिलिएशन में तौबा, कुफारा, जराइम का इकरार और सुलह सब कुछ शामिल होते थे, कन्फेशन होता था. इसके बाद जो है इसमें यूक्राइस्ट हुआ करता था जिसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम के यानी जीसस के दोबारा जिंदा होने और इस दुनिया में घूमने और फिर वापस आने के जो है का ऐलान किया जाता था, जिसे एशाय रिबानी यानी मसीह की जिंदगी के बारे में कहा जाता था. फिर एक होता था कन्फर्मेशन. कन्फर्मेशन ये है कि हर ईसाई ये तस्दीक करता था, ये कन्फर्म करते था कि वो जीसस जो है वो इस दुनिया में दोबारा वापस आएंगे. देन इसके अलावा जो मैरिज सेरेमनी है वो भी जो है वो मजहब के मुताबिक होने की, और उसके अलावा होली ऑर्डर्स या मजहबी अहकामात की रस्म होती थी. द लास्ट राइट्स और अनॉइंटिंग ऑफ द सिक, यानी आखिरी मजहबी रसूमात जितनी भी होती थी वो भी उसी में होनी चाहिए. और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और शामिल थी, दैट इज एक्सकम्युनिकेशन विच इज बैनिशमेंट फ्रॉम द चर्च एंड नो एस्कार्समेंट नो हेवन. ये एक बहुत ही मजे की चीज थी इस पूरी सिस्टम में, वो था कि तकफीर या जिसे कलीसा बदली. अगर एक बार किसी शख्स को कल चर्च ने ये फैसला दे दिया कि आप इन तमाम ड्यूटीज को पूरा नहीं कर रहे हो एंड नाउ यू आर नॉट अ क्रिश्चियन, सो एक बार अगर आपको ये डिक्लेरेशन मिल गया, इसका मतलब आप सिर्फ ईसाइयत से खारिज नहीं हुए हैं बल्कि आप जन्नत से भी खारिज हो गए हैं. और उसके तहत आपको, अगर आप ये रसूमात की अदायगी नहीं कर रहे हैं या आप चर्च की बात नहीं मान रहे हैं, तो फिर आपको समझ लीजिए मुल्क बदर, देश निकाला, मजहब निकाला कर दिया जाता था. लिहाजा हर ईसाई डरता था और वो बादशाह की और सॉरी मजहब की हर बात जो है वो माना करता था, क्योंकि अगर वो ये नहीं करेगा तो उसे ईसाइयत से खारिज कर दिया जाएगा और उसके बाद उसका कोई पुरसान हाल नहीं होगा. सो फॉर दैट प्रिंसिपल्स
Roman Catholic Church gained power, as the power of the church grew, the church began to play a political role in Europe. जैसे जैसे मजहब ने एक जब आप सोच लीजिए ना कि मजहब लोगों को इतना डरा रहा है कि अगर वो नहीं मानेंगे और बात लोग पादरी की हर बात आंख बंद के बंद करके मान रहे हैं, तो उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि चर्च की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी. और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे चर्च भी अपनी जो है ना एक्सपेंशन शुरू कर दी उसने, और उसने पॉलिटिकल रोल प्ले करना शुरू किया, जिसकी वजह से चर्च और जो रूलर था उनके दरमियान जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने शुरू हो गया. और उस कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा हमने देखा कि आखिरकार फ्यूडलिज्म जो है, फ्यूडल स्टेट सिस्टम जो है, वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ. और इस फ्यूडल स्टेट सिस्टम के डिक्लाइन के बहुत सारे रीजन से, एक से ज्यादा रीजन से, लेकिन इसके अंदर जहाँ एक तरफ मुस्लिम इम्पीरियलिज्म भी, मुस्लिम सल्तनत भी आई, लेकिन वहीं वहीं हमने देखा कि वहां पर जो है हम यहीं पर रोकेंगे इसको, क्योंकि बाकी जो पोर्शन है वो हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे. आप रोमन कैथोलिक चर्च के गेन तक रुकिए. देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि मजहब ने एक ऐसा किरदार अदा करना शुरू कर दिया जिसने लोगों की जो फ्रीडम है ना उसको कंट्रोल कर लिया. जब लोगों ने उस लोगों के फ्रीडम को कंट्रोल कर लिया उन्होंने, तो उसी के साथ ये हुआ कि पादरी अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करने लग गया, और उसने जो है किंग्सशिप में जो है इंटरवीन करना शुरू कर दिया. जब उसने किंगशिप में इंटरवीन करना शुरू किया तो उसका नतीजा ये निकला कि चर्च के से जो बादशाह थे उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, और जब उन्हें प्रॉब्लम होना शुरू हुआ तो फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है लोगों में चर्च के खिलाफ नफरत पैदा होना शुरू हुई. मैंने आपको बताया कि दो टाइप के चर्च तो थे ही, एक ऑर्थोडॉक्स थे एक कैथोलिक थे, लेकिन दोनों ही इसी किस्म का रोल प्ले कर रहे थे एक जैसा. उसका नतीजा ये निकला कि लोगों के अंदर एक तो ये था कि कंट्रोल बहुत ज्यादा था, ओवर कंट्रोल था. ओवर कंट्रोल की वजह से लोग नाखुश थे, और जब लोग भी नाखुश थे बादशाह भी नाखुश हुआ, तो उसका नतीजा ये निकला कि एक तीसरा तबका वजूद में आया जो प्रोटेस्ट कर रहे थे रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ, क्योंकि वो बहुत ही सख्त बैनिशमेंट हुआ करती थी, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट करने के नतीजे में दे वर कॉल्ड द प्रोटेस्टर्स फर्स्ट एंड देन दे कन्वर्ट इनटू द प्रोटेस्टेंट्स. Because they convert into the Protestants, so for that matter, एक नया sect जो है वजूद में आया, which is called the Protestants in the world. यानी अब Roman Catholic, Christian जो ईसाई जो है वो दो नहीं है, वो Orthodox और Roman Catholic नहीं है, बल्कि एक तीसरा ईसाई तबका भी वजूद में आना शुरू हुआ, which is called the Protestants. अब हम आगे की तरफ जाते हैं, and that is the reasons of decline of feudal state system. पढ़ेंगे कि एक तरफ तो मजहबी नाराजगी शुरू हो गई, दूसरी तरफ इस्लामिक एम्पायर जो थी उसका भी कंट्रोल जो है वो स्पेन में था. आप जानते हैं कि स्पेन पे मुसलमानों ने तकरीबन 750 साल जो है कब्जा किया, लेकिन उसके बाद जो है वो एक क्रूसेड्स चली, और उन क्रूसेड्स के बाद जो है लेट 80s में जो आखिरकार जो है स्पेनिश सल्तनत जो है वो भी तकसीम होना शुरू हुई, और उसी के साथ साथ दूसरी तरफ जो है वो क्रूसेड्स की वजह से जो है वो मुस्लिम और क्रिश्चियन चर्च की लड़ाइयाँ जो हैं वो भी थोड़ी कंट्रोल हुई, क्योंकि किसी भी जंग जो है वो ऐसा ऐसा खत्म होना शुरू हुई, ईसाइयत थोड़ी मजबूत हो गई. अच्छा, इन 1400 में जैसे मैंने आपसे कहा कि स्पेन ने दोबारा जब मुसलमानों को उन्होंने हरा दिया, तो उसके नतीजे में जो स्पेन का जो पूरा रीजन था वो दोबारा से जुड़ना शुरू हुआ मुसलमानों के हार के बाद और उनको निकालने के बाद. सो 1469 में इजाबेला एंड फ्रेडिनेंड की शादी के बाद जो है ये दो मुख्तलिफ टेरिटोरियल यूनिट्स के जो थे रूलर्स थे, इनकी शादी के बाद ये दोबारा से स्पेन जो है वो यूनिफाइड हुआ. और इस मैरिज के बाद जो है स्पेन की जो है वहाँ पे एक इनक्विजिशन का पीरियड शुरू हुआ, जिसमें ट्रायल, टॉर्चर, इम्प्रिजनमेंट और बहुत सारी चीजें शामिल की गई, जिसमें यहूदियों और मुसलमानों को खालिस्तन टारगेट किया गया. लेकिन इसके जरिए ईसाइयों में भी खौफ जो है पैदा होना शुरू हुआ, क्योंकि ये टॉर्चर जो है वहां पर भी इस्तेमाल किया जाता था.
तो उन्होंने वो जो एक नफरत का आंसर है ना, जो मैं आपसे कह रही हूँ कि एक फ्यूडल स्टेट सिस्टम के खिलाफ नफरत शुरू हुई, उसमें रिलीजियस रोल तो था ही, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि रिलीजन जो है वो इस तरीके से यूज करते थे टैक्टिक्स को, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक नफरत का आंसर आता था। फिर वहां पर जो नॉन मुस्लिम नॉन क्रिश्चियंस रहते थे उनके खिलाफ भी जो रूल्स थे वो बहुत सख्त कर दिए गए थे, और मुख्तलिफ चीजों के लिए उनको जो है यूज किया जाता था, जैसे मैंने कहा कि उन पर टॉर्चर किया जाता था। तो उसके नतीजे में मुसलमान जो थे वो तो डर ही रहे थे, लेकिन जो वहाँ के नॉर्मल लोकल क्रिश्चियंस थे उनको लिए भी ये टॉर्चर जो है यूज किया जाना शुरू हो गया, जिसकी वजह से लोगों में फ्यूडल स्टेट सिस्टम के खिलाफ नफरत में और इजाफा हुआ। ये वो इनक्विजिशन सेंटर्स हैं जहाँ पर लोगों को मारा जाता था, और ये एक हॉरिफिक पिक्चर है। आप यू कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड, ये वो दौर है जिसके अंदर इसको अमूमन इस पूरे पीरियड को पीरियड ऑफ डार्क एजेस कहा जाता है, क्योंकि इस दौर में ईसाई चर्च ने लोगों को बहुत बुरा हाल किया। यानी जितने साइंटिस्ट हैं इस दौर के वो सब के सब आग में जलाए गए, जितने राइटर्स हैं इस दौर के उन सबको मारा गया, और जो भी शख्स अगर कोई अलग बात करता था, जो पादरी को बादशाह को पसंद नहीं आती थी तो फौरन कह दिया जाता था कि इस शख्स के अंदर ईविल घुस गया है, डेविल घुस गया है, लिहाजा उसको निकालने के लिए उसको जरूर तन जो है उसको आग में जला दिया जाता था। तो जितने बड़ी बड़ी पोएट से इस दौर के उन सबको आग में जलाया गया, जितने साइंटिस्ट हैं, क्योंकि क्योंकि जो प्रीस्ट होते थे उन्हें ये बात समझ में नहीं आती थी, तो लिहाजा उनको भी या तो उन्हें मार दिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था, गर्दन अलहदा कर दी जाती थी, या फिर उन्हें आग में जला दिया जाता था। सो ये पूरा पीरियड जो था इसके दौरान हमने देखा कि फ्यूडल स्टेट सिस्टम जो है वो एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच गया जहां पर लोगों को उससे नफरत होना शुरू हो गई, और ना सिर्फ वो नफरत उससे हुई बल्कि उसके साथ साथ ईसाइयत से भी होनी शुरू हुई। फिर इसी दौरान बादशाह ने एक बहुत बड़ा काम किया, जिसने मैं कहती हूँ ना कभी कभी आप अपने प्राइड में अपने गुरूर में एक ऐसा काम कर देते हैं जो आपके मौत की वजह बन जाता है या आपके खात्मे की वजह बन जाता है। तो उसी दौर में जो एक ब्रिटिश रूलर थे, ब्रिटिश बादशाह थे, उन्होंने एक अग्रीमेंट किया विच इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा, एंड इट वॉज डन बाय इन 1215 AD 1215 में ये जो है ये अग्रीमेंट साइन किया गया बाय विच जो है, अब ये इसके मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगी कि जैसे कोई आजाद को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, नो फ्री मैन शैल बी सीज्ड और इम्प्रिजन्ड और स्ट्रिप्ड ऑफ हिज गुड्स और पोजेशंस सेव बाय लॉ ऑफ हिज पीयर्स और इक्वल और बाय लॉ ऑफ द लैंड, टू नो वन शैल आई सेल or deny or delay justice. Then today, such sentiments are seen as basic human rights and they echo in the Declaration of Human Rights. But for the time, they were earth-shattering. Admittedly, such rights were far down the document. What was much more prominent were the joint points ensuring the protection of the church and the barons, the authors of the document. मैग्ना कार्टा साइन इसलिए किया गया क्योंकि किंग जॉन वन जो थे वो जब बादशाह बने तो फ्रांस ने उसके ऊपर हमला कर दिया। जब फ्रांस ने उन पर हमला किया तो उस हमले के नतीजे में डर ये था कि फ्रांस उस पर कब्जा कर लेगा, लिहाजा बादशाह ने तमाम लोगों को ये कहा कि भई हमें बचाने के लिए आए और जंग में हिस्सा लें। और बादशाह का हुक्म तो खुदा का हुक्म था ना, ये डिवाइन राइट टू रीजन का दौर था, तो लोगों लेकिन लोग उस बादशाह से इतना तंग आए हुए थे बिकॉज हर वो बहुत ज्यादा नए टैक्सेस इम्पोज किया करते थे, जब भी उन्हें पैसों की जरूरत होती थी तो वो टैक्स इम्पोज कर दिया करते थे, और उसका नतीजा ये निकलता था कि लोगों के पास पैसे नहीं होते थे तो उनकी फसलों को ले जाया जाता था, उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया जाता था, जो हमने आपको बताया था कि फ्यूडल स्टेट सिस्टम का एक खास तुर्रा इम्तियाज था। सो मैग्ना कार्टा साइन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि बादशाह लोगों को इख्तियार देना चाहता था, बल्कि उसने इसलिए किया क्योंकि वो अपनी हुकूमत को बचाना चाहता था, अपनी बादशाहत को बचाना चाहता था। मगर ये बादशाहत जो है मैग्ना कार्टा की वजह से शायद उस वक्त बच गए, लेकिन लेटर ऑन इसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। मैग्ना कार्टा इज द एपिक अग्रीमेंट ऑफ द वर्ल्ड, इसको दुनिया का पहला वेस्टर्न रिटन अग्रीमेंट भी माना जाता है। इसकी पूरी तफसील जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हम अपने लेक्चर को मैग्ना कार्टा पर रोक रहे हैं।
इसकी वजह यह है कि ये एक और डिटेल टॉपिक है जिसे हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो आज का लेक्चर जो है वो हमने एंड ऑफ फ्यूडलिज्म के ऊपर खत्म किया है।